हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दासपा मार्ग पर सानवी द्वारा 1,02,00,000 की लागत से खजूरिया नाला पर निर्मित पुल निर्माण के लोकार्पण से पूर्व लोगों ने घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि ठेकेदार ने कोई खुद के पैसों से नहीं करवाया। भाजपा पशुपालन प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य खेमराज देसाई ने खजूरिया नाले पर पुल का निर्माण करवाने के लिए विधायक पुराराम चौधरी और टीम का आभार जताया। देवासी ने अन्य कमियों और समस्याओं के निराकरण की बात कही। देवासी ने कहा कि भीनमाल क्षेत्र में सड़कों की खराब हालत चिंताजनक बताया। नपा उपाध्यक्ष जय रूपाराम माली ने कहा कि भीनमाल क्षेत्र विकास की गंगाबाई है, भाजपा को पुनः सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। नपा अध्यक्ष श्यामलाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के सहयोग से भीनमाल सिटी और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रही है। इसके बावजूद कोई सड़क में कोई कमी रही होगी तो दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधान दुखाराम राजपुरोहित ने कहा कि ठेकेदार के पास कार्य ज्यादा और संसाधन की कमी की वजह से सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदार को पाबंद करने और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और भारत माला के तहत देश की सबसे बड़ी योजना के तहत सड़क स्वीकृति हुआ है कांग्रेस को घोटाले की पार्टी बताते हुए मोदी पर बिना तथ्य आरोप लगाने का आरोप लगाया। भीनमाल से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।